हेलो दोस्तों, पीके सिंह रघुवंशी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट वेलकम रोड एंड अप्रोच वायाडक्ट पर एक नई अपडेट के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम मौजूद हैं न्यू ताड़ीघाट रेलवे स्टेशन पर और यहां पर हो रहा है FOB इरेक्शन का वर्क। जो फुट ओवर ब्रिज है यहाँ पर प्लेटफार्म नंबर 1 एंड प्लेटफार्म नंबर 2 के लिए, उसके इरेक्शन की प्रॉपर तैयारी चल रही है। क्रेन पोजिशनिंग पर लिया जा चुका है। जो गडर इरेक्शन की टीम है, इरेक्शन से पहले जो इनका रूल है वो गडर की पूजा की जा रही है अच्छे से। आप देख सकते हैं यहाँ पे नारियल धूप दिखाकर अच्छे से विश्वकर्मा भगवान की पूजा की जाती है हर इरेक्शन से पहले, और यहाँ पे भी की जाएगी। और देखिए पूजा स्टार्ट हो चुकी है, अभी थोड़ी देर में जयकारे लगेंगे बाबा विश्वकर्मा भगवान की, उसके बाद इरेक्शन को स्टार्ट किया जाएगा। ये हमारे मैकेनिकल इंजीनियर मिस्टर निखिल कुमार GPT से, इन्होंने नारियल तोड़ा पहला। आप देख सकते हैं जो हमारे सुपरविजन का करता हुआ वर्क है यहाँ पर, जो कॉन्ट्रेक्टर का, वो भी वो नारियल तोड़ेंगे और गडर को लिफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। पूजा संपन्न हुई, अब गडर लिफ्टिंग का काम स्टार्ट होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा LEAF 1, जो हमारा FOB का जो गडर है, इसकी लेंथ है 44 मीटर और हमारा जो 500 mm की विड्थ का एक गडर है। जब हमारी दोनों लीफ इरेक्शन हो जाएंगी तो ये हमारा 44 मीटर का फुटपाथ होगा चलने का, और हमारे 3.5 मीटर विड्थ है यहाँ पे, जिसपे हम पैदल कैटवॉक करेगी सवारी इधर से उधर आने के लिए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से प्लेटफॉर्म नंबर 1 के आने के लिए। तो देखिए क्रेन जो है हमारा, ऑलरेडी आपने वीडियो देखा होगा हमारा, उसमें हमारा क्रेन जो है ये 200 मेट्रिक टन का क्रेन है, और इस क्रेन की मदद से हमारा जो पहला लीफ है उसको लिफ्ट किया जा चुका है। और जो कि लेंथ लंबी है, वेट कम है इसका, लेकिन फिर भी 200 मेट्रिक टन की क्रेन इसलिए लगती है क्योंकि इसकी हाइट लेंथ जो है बूम की बहुत ज़्यादा होती है। तो एक बार में जो 44 मीटर का इरेक्शन करने में इस क्रेन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 के बीच में 4 ट्रैक लाइन है हमारी, 5 उनके बीच में इरेक्शन किया जाता है। तो हमारी यहाँ की लाइनें अभी बंद है, फिर भी टेम्प्रोरी मेगा ब्लॉक लिया गया है 2 घंटे के लिए दोनों लीफों को इरेक्शन करना और एक दूसरे क्रॉस बेसिंग के थ्रू टाइप करना तक का काम 2 घंटे में कम्प्लीट किया जाएगा। देख सकते हैं पहली जो लीफ है ये पोजीशनिंग पे आ चुकी है, धीरे धीरे इसको स्विंग करता हुआ क्रेन को। दोस्तों ये हमारा जो सोनवल रेलवे स्टेशन है, ये हमारा अब न्यू ताड़ीघाट स्टेशन के नाम से जाना जाएगा, और इसका पिछली वीडियो में आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 का 90% VD फ्लोरिंग का वर्क कम्प्लीट हो गया है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 70% VD फ्लोरिंग का वर्क कम्प्लीट हो गया है। और जैसे जैसे हमारा ये FOB का स्टेप कम्प्लीट होता जाएगा, बैलेंस के जो हमारे VD फ्लोरिंग और PCC के वर्क हैं ये सारे कंप्लीट कर लिए जाएंगे। उसी के मद्देनज़र ये हमारा जो कार्य है तेज़ी से किया जा रहा है, और हमारा जो रेलकम रोड ब्रिज से लेकर सिटी साइड के अप्रोच और इधर गंगा ब्रिज से लेकर हमारा इधर सोनवल ताड़ीघाट न्यू स्टेशन का अप्रोच जो है, ये प्रोजेक्ट हमारा गाजीपुर टू मऊ रेल लाइन परियोजना फेस 1 के अंतर्गत आता है, जिसकी जो कंप्लीशन हमारा ट्रायल जो है मैकेनिकल इसका, हमारा डीजल इंजन का और इलेक्ट्रिक इंजन का दोनों का हो चुका है। 3rd ट्रायल होगा हमारा मालगाड़ी का, उसके बाद 4th ट्रायल होगा हमारा सवारी गाड़ी का, और ये हमारे जो दोनों ट्रायल हैं अप्रैल के मिड तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे। उसके बाद एक ट्रायल हमारा जो इंजन सवारी का होगा, उसमें हमारा CRS के टाइम ही होगा, और CRS की जो डेट है हमारी, वो हमारी डेट जो है मिड अप्रैल की दी गई है, और CRS मिड अप्रैल में इस प्रोजेक्ट का CRS करेगा। प्रॉपर CRS होने के बाद हमारे यहाँ पे मई 2023 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट का लाभ जनता उठा सकेगी, जनता के लिए समर्पित किया जाएगा मई 2023 में। इस प्रोजेक्ट को पास करने के लिए मनोज सिन्हा जी के जो बहुत सारे प्रयास थे वो सफल हुए, दोनों ट्रायल भी कम्प्लीट हुआ। आप लोगों ने अगर मनोज सिन्हा जी को ट्विटर पर फॉलो किया होगा तो ट्वीट किया था उन्होंने दोनों का, डीजल इंजन का और इलेक्ट्रिक इंजन का परीक्षण का, तो उनके लिए बहुत ही गौरव का दिन था वो। ये देख सकते हैं जो हमारा गडर है, पहला लीप प्लेस हो चुका है, और प्लेसिंग के बाद इन दोनों के बीच में हमारी नट बोल्टिंग टाइटिंग का वर्क किया जाएगा। नट बोल्ट टाइटिंग करने के बाद दूसरी लीप में असेंबल किया जाएगा। ये देख सकते हैं दोनों गडर एक दूसरे, हमारे जो
स्टैंड अप है उस पर रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट करते ही हम इस गर्डर को नट बोल्ट के थ्रू टाइट करके सेकेंड गर्डर को स्विंग करके इस पर रेस्ट करके रखेंगे। उसके बाद हमारा जो है क्रॉस ब्रेसिंग के थ्रू इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा फर्स्ट स्लिप का इरेक्शन जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड में वर्कर पहुँच चुके हैं, नट बोल्ट लगाकर इसको टाइट करेंगे। जो इनके FOB के हमारे नट बोल्ट हैं ये इसमें प्लेस किए जा रहे हैं दोनों साइड में। ये देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 वाला है और एकदम बीच सेंटर में इस क्रेन के लिए क्रेन का हमारा जो हुक है लिफ्टिंग बेल्ट इस गटर में लगाया गया है। ये देख सकते हैं प्लेटफॉर्म 2 नंबर पे 2 मैन पावर बैठी है, वो नट बोल्ट को टाइट कर रही है होल में मैच करा के। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जो हमारा वर्कर बैठा हुआ है वो भी 2 आदमी की टीम है, नट बोल्टिंग को होल में मैच करा के टाइट करेंगे। ये देख सकते हैं मैच हो चुका है और नट बोल्ट को टाइटनिंग का वर्क चल रहा है। तो ये पहली लीफ कंप्लीट हुई। अभी थोड़ी देर के बाद लीफ 2 को इरेक्शन के लिए स्विंग किया जाएगा। दोस्तों ये जो हमारी लीफ देख रहे हैं आप दोनों गडर की, इनको एल्युमिनियम पेंटिंग जो है इसकी 2 कोट में की गई है। 2 कोट के बाद इसकी फाइनल इरेक्शन की परमिशन मिलती है। और जो हमारे इनके ब्रेसिंग है उनको भी 2-2 कोट की एल्युमिनियम पेंटिंग के थ्रू कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद इसका इरेक्शन स्टार्ट किया जाता है। और क्रेन की हाइट देख सकते हैं बूम की, 200 मेट्रिक टन की क्रेन है और 40 मीटर तक इसका बॉकेट लिफ्ट होता है। और उसके बाद गडर जो हमारा 44 मीटर का हो, अगर ये 50 मीटर का भी होता तो ये इसे इरेक्शन आराम से कर पाती। देख सकते हैं हमारा जो सेकेंड लीफ है ये इरेक्शन के लिए रेडी हो चुका है और इसको गटर ने स्विंग करना, क्रेन ने स्विंग करना शुरू कर दिया है। और दूसरी लीफ का इरेक्शन जो है कि फास्ट होगा, क्योंकि पहली लीफ में जो हमारा ड्राइवर है और जो वर्कर है उनको थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल करने में। सेकेंड लीफ को तुरंत उसी स्पीड में देखिए, आप देखेंगे जो लीफिंग के बाद हमारा लीफ कर रहा है उसके बाद जो हमारा पोजिशनिंग करने में टाइमिंग बहुत ही मतलब 50% टाइमिंग कम हो जाती है। तो देख सकते हैं ये हमारी पोजिशनिंग स्टार्ट हो चुकी है और अभी गटर को स्विंग किया जा रहा है। गटर स्विंग होते ही जैसे ही कॉलम के पास पहुंचेगा तुरंत रेस्ट किया जाएगा और नट बोल्ट लेकर टीम रेडी है और इसको कंप्लीट किया जाएगा ब्रेसिंग के थ्रू। और इसकी ब्रेसिंग जब तक कंप्लीट नहीं हो पाती है तब तक हम लोग यहाँ से हिल नहीं सकते हैं। ब्रेसिंग कंप्लीट होने के बाद जो हमारा ब्लॉक लिया गया है ट्रेनों का उसके कागज़ पे जो डॉक्यूमेंटेशन होकर आता है वहाँ से उस पर निरस्तीकरण का सिग्नेचर होगा सभी स्टाफों का कि जो हमारा कार्य था ब्लॉक के थ्रू उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया है। सब डिपार्टमेंट के लोग इसका सिग्नेचर करेंगे, वो रेलवे में जमा होगा, उसके बाद यहाँ का ब्लॉक कैंसिल किया जाएगा और ये इस इरेक्शन को कंप्लीट माना जाएगा और लाइन को चालू कर दिया जाएगा। जो यहाँ पे वर्क कर रही हैं रेलवे की पटरियाँ आप देख रहे हैं जो स्लीपरों में लोड है वो ट्रेन अपना इधर उधर मार्च कर सकता है। अब देख सकते हैं गटर इस लेवल पे पहुँच चुका है जिस लेवल पे हमें उस गटर को प्लेस करना है और आगे की तरफ धीरे धीरे पुश कर रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ। अब देख सकते हैं हमारा जो सेकेंड स्पैन हमारा जो सेकेंड लीफ है वो भी पोजिशनिंग किया जा चुका है और दोनों साइड हमारा नट बोल्ट लगाने का काम चालू हो गया है। अब हम इस पर क्रॉस बेसिंग का जो हमारा फ्रेम है वो लगाना स्टार्ट करेंगे जो कि 2 कोटेड एल्युमिनियम पेंट के थ्रू लगा हुआ है। और क्रेन के थ्रू नहीं, क्रेन अभी यहाँ से लिफ्ट कर दी जाएगी और मैनुअली यहाँ पे लेबर वो ब्रेसिंग लगाना स्टार्ट करेगी। देख सकते हैं उस साइड में हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे काम स्टार्ट हो चुका है। अब तो दोस्तों ये रहा हमारा न्यू ताड़ीघाटी स्टेशन पे FOB इरेक्शन का वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।